ये तरबूज है। तरबूज एक 18 स्क्वायर फुट के केनल में रहता है। एक समय में इसका भी एक घर था, परिवार था, पर ये इस मुश्किल दौर से गुजरेगा। ये इसकी किस्मत में तभी लिखा गया था जब ये पैदा हुआ था। खैर, उस बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। बैजनाथ के जंगल में ये विनय ठाकुर जी को मिला और वो इसको यहाँ ले आए। ये बहुत घायल था, शायद इसकी किसी से लड़ाई हुई होगी। देखिए, जो पालतू जानवर होते हैं, जैसे गाय हो गई, कुत्ता हो गया, जो घर में पले बड़े हैं, ये सड़क पे या जंगल पे ठीक से नहीं जी पाते। तरबूज एक पपी मिल में पैदा हुआ था, जहाँ पे ब्रीडर लोग कुत्तों को पैदा कर करके आलू प्याज की तरह बेचते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इसकी किस्मत में ये बुरा वक्त उसी दिन लिखा गया था जिस दिन ये पैदा हुआ था। वहां से इसे जिसने भी खरीदा, सामान की तरह ही खरीदा, दोस्त की तरह नहीं, क्योंकि दोस्त आखिरकार बनाए जाते हैं, खरीदे नहीं। उन्हें इस बात से मतलब नहीं कि जो इसके भाई बहन नहीं बिके उनका क्या हुआ, क्या उन्हें भी सड़े आलू प्याज की तरह फेंक दिया गया? जब इसकी माँ बूढ़ी हो जाएगी और बच्चे नहीं पैदा कर पाएगी, तो क्या वो भी बूढ़ी गाय की तरह सड़क पे आ जाएगी? ब्रीड के अलावा कुत्ता खरीदने वालों का सिर्फ एक सवाल रहता है कि इसकी कीमत क्या है। देखिए, कुछ भी खरीदते हुए हमें लगता है कि कीमत वो है जो बेचने वाला मांग रहा है, जबकि असल कीमत का अंदाजा हमें तब पता होगा कि जब जो बेचा जा रहा है हम उसके पीछे की कहानी जानने का प्रयत्न करें। अगर बात कुछ खरीदने से पहले पूछने वाले सवालों की है, तो एक सवाल और पूछिए कि ये पैसा आखिरकार जा किसके पास रहा है। जब आप किसान से 20 रुपए किलो आलू खरीदते हैं, तो आप उसके बच्चे की स्कूल की फीस में एक हिस्सा दे रहे होते हैं, पर जब आप इससे 20 गुना महंगे मल्टीनेशनल कंपनी से आलू के चिप्स खरीदते हैं, तो आप चंद अमीर लोगों को और अमीर बना रहे होते हैं। देखिए, मोटी बात ये कि नोट में वोट जितनी ही शक्ति है, इसको किसी को देने से पहले 100 बारी सोचिए।